ये हमने ट्राइपॉड मंगाया जो कि फ्लिपकार्ट मंगाया, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। इससे पहले जो हमने मंगाया था वो रॉन्ग प्रोडक्ट निकला था और टूटा हुआ भी निकला था। तो अभी हमने दूसरा प्रोडक्ट मंगाया जो इसका मॉडल नंबर है 3366। अब हम इसकी करके दिखाएंगे आपको अनबॉक्सिंग। तो अभी हमारे साथ हमारे भैया हैं सचिन भैया, वो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं कैसा निकलता है ट्राइपॉड जो कि 3366 ट्राइपॉड है सप्टन का। तो करते हैं अब हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो अब इसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जो कि इसमें डब्बा निकला है उसमें 3366 लिख के आ रहा है। तो ये तो सही प्रोडक्ट निकला है देखने में लग रहा है, लेकिन ये ब्लू कलर का दिखा रहा है, हमने ब्लैक कलर का ऑर्डर किया था। तो अब देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से निकलता है और क्या निकलता है। तो जैसा कि इसके अंदर फिर से एक बैग निकला हुआ है यहाँ पर कि ब्लैक कलर का है, और इसके अंदर एक स्लिप भी निकली है जैसा कि भैया यहाँ पर आपको स्लिप खोलकर दिखाएंगे। तो ये 50 रुपये का कैशबैक है जो कि पेटीएम की तरफ से है, ये शॉप वालों ने दे रखा है हम लोगों को। तो इसमें दिखा है लॉग इन योर अकाउंट, इसमें अगर हम उनको 5 स्टार देंगे इस ट्राइपॉड के तो हमें 50 रुपये पेटीएम करेंगे। तो ये तो एक खरीदने वाली बात हुई, रेटिंग बढ़ाएंगे अपनी वो लोग 50 रुपये में स्टोर को बेचकर। तो अब इसको करते हैं साइड और हम इसी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो अब हमारे भैया ये खोल कर दिखाएंगे क्या निकलता है इसके अंदर। तो ये की भैया ने अनबॉक्सिंग, तो इसके अंदर एक मोबाइल का स्टैंड निकलता है जो कि काफ़ी सही स्टैंड है, लेकिन इसमें एक डिफॉल्ट आया है जो कि ये यहाँ पर थोड़ा सा लेदर जो भी लग रखा है थर्माकोल, ये थोड़ा सा यहाँ पर कटेड वाला लग रखा है जो कि अलग से लगाया हुआ है इन लोगों ने। तो इसको करते हैं साइड। तो ये रहा ट्राइपॉड जो कि सप्टन का है जो कि शॉप वालों ने दिया है, और इसमें डब्बे में ये ब्लू कलर का निकला है। तो ये ट्राइपॉड है, तो ट्राइपॉड तो सही है, ये प्रोडक्ट जो मंगाया था वही आया। तो अब हम इसको खड़ा करके देखते हैं इसकी कितनी हाइट आती है। तो अब हमारे भैया इसको खड़ा करेंगे। तो अभी हमने इसको इसका फर्स्ट स्टेप है जो कि ये नॉर्मल आता है, तो हमने इसको खड़ा करके देख रहे हैं। तो काफ़ी सही आया फर्स्ट स्टेप। अब हम इसकी फर्स्ट लेग ओपन करके दिखाएंगे कितना लंबा होता है ये और कितनी इसकी हाइट जाती है, जो कि ये इसका फर्स्ट स्टेप है जो कि इसकी फर्स्ट लेग यहाँ पर खुल रही है। तो फर्स्ट लेग में इसकी हाइट अप्रॉक्स 1.5 फुट आ रही है, तो 1.5 फुट फर्स्ट स्टेप में आ रही है। अभी ये ऊपर भी खुलेगा जैसे कि दिखा रहे थे ऑनलाइन। तो अब इसकी दूसरी लेग खोल कर देखते हैं। तो अब इसकी हम दूसरी लेग खोल कर दिखाएंगे और इसकी हाइट कितनी होती है। तो अब इसकी जो कि सेकंड लेग है उसको ओपन करके दिखाएंगे कितनी हाइट आ रही है। तो अभी ये भैया इसकी सेकंड लेग ओपन करके दिखा रहे हैं, तो अप्रॉक्स समथिंग 4 फीट हाइट आएगी इसकी देखकर लग रहा है। तो अभी हम देखते हैं इसकी कितनी हाइट आती है। तो देखने में तो काफ़ी सही ट्राईपोर्ट है, रेटिंग भी बेस्ट इस हिसाब से देनी होगी जैसा कि इसमें दिया गया था। तो अभी ये खड़ा हो गया है ट्राईपोर्ट। तो इसकी हाइट जो आ रही है वो 4 फीट के समथिंग आ रही है यहाँ पर। अब इसको हम ये और ऊपर जाएगा, इसमें एक हमको ये रोटेट करने के लिए मिल जाता है जो कि 180 डिग्री रोटेट होगा जैसा कि इसमें दे रखा है, और ये कसने के लिए मिल जाता है जो कि स्टेबल रहेगा। इसमें फिर हमें ये एक 360 डिग्री रोटेट करने के लिए मिलेगा जिससे ये 360 डायरेक्शन में ये कैमरा जो भी फ़ोन लगेगा इस पर वो घुमा सकेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये 90 डिग्री का घूमने के लिए मिल जाता है जो कि ये फ़ोन को साइड में रोटेट करने के लिए मिला है। तो अब हम इसकी एक स्टेप और है जो कि लास्ट स्टेप है उसको हम दिखाएंगे इसकी हाइट कितनी आती है। तो अब इसकी हम हाइट बढ़ाकर देख रहे हैं जो कि कितनी हाइट आती है यहाँ पर, समथिंग इसकी 4-4.5 फीट से ऊपर हाइट आ रही है जैसे कि इसमें दे रखा है। तो अब हम इसको यूज़ करके दिखाएंगे। ये इसमें एक हैंडल मिल जाता है जो कि अप डाउन करने के लिए है, तो ये काफ़ी सही है। और ये यहाँ पर स्टेबल करने के लिए, इसको टाइट करने के लिए, एक जगह रोकने के लिए ये यहाँ पर हमको एक स्क्रू मिल जाता है। तो काफ़ी सही ट्राइपॉड है जैसा कि इसमें दे रखा था। तो अब हम इसमें मोबाइल होल्डर को लगा कर दिखाएंगे जो कि ये मोबाइल होल्डर को रिफ्यूज़ हटाने के लिए यहाँ पर ये एक दे रखा है जो कि मोबाइल होल्डर को कसने के लिए है। तो अभी मोबाइल होल्डर को कस के इसमें लगाएंगे किस तरीके से मोबाइल होल्डर कसा जाएगा। तो काफ़ी सही ट्राइपॉड है, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ये हमारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसका प्राइस है 1,099 रुपये। यहाँ पर हमने ये मोबाइल स्टैंड को कस रखा है और हमने मोबाइल होल्डर को यहाँ पर कस रखा है, और हम इसमें मोबाइल लगा कर दिखाएंगे किस तरीके से इसमें मोबाइल लगेगा और कैसे ये 360 डिग्री एंड 180 डिग्री रोटेट होगा। तो अभी हमारे भैया इस पर मोबाइल लगाएंगे। तो ये हमने सैमसंग का इस पर फोन लगाया, तो अभी ये देखते हैं कितना टाइटली लगता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो कि फ़ोन है वो लग चुका है, और अब हम इसको 360 डिग्री रोटेट करके दिखाएंगे। हम इसको 360 डिग्री रोटेट करके दिखाएंगे, 360 डिग्री रोटेट होता भी या नहीं। तो यहाँ पर ये भैया इसको रोटेट कर रहे हैं जैसा कि ये पूरा 360 डिग्री रोटेट यहाँ पर हो रहा है। सेकेंड स्टेप में हम इसको 180 डिग्री रोटेट करके दिखाएंगे, 180 डिग्री रोटेशन। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है जो कि पूरा 180 डिग्री रोटेशन है इसमें दे रखा है, तो ये पूरा हो रहा है, तो काफ़ी सही। और इसमें जो ये थर्ड स्टेप दे रखा है जो कि 90 डिग्री रोटेशन का है मोबाइल के लिए, वो भी हम कर दिखाएंगे आपको। तो 90 डिग्री रोटेशन के लिए लॉक करते हैं, तो ये 90 डिग्री रोटेशन भी पूरा हो रहा है, यहाँ पर पूरा 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है। तो ये जैसा कि हमने ट्राइपॉड मंगाया था तो इसका रिव्यू जो कि सक्सेसफुल हुआ है, तो अब हम इसको 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर दे सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है, तो काफ़ी बेस्ट ट्राइपॉड है यहाँ पर ये हमको मिला है जो कि काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड निकला है जो कि 3366 ट्राइपॉड है। तो जनरली हम इसको 5 स्टार दे सकते हैं यहाँ पर जो कि ये प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है,